बड़वानी लाइव, सटीक खबर, ताजा खबर। देर रात बिजली के खंभे से फैले करंट से 60 वर्षीय बुजुर्ग की हुई मौत, परिवार में मातम। पुलिस पहुंची अस्पताल, शव को पोस्टमार्टम के लिए रखवाया। मंगलवार देर रात अंजर में मजदूरी कर घर लौटने पर बुजुर्ग की करंट लगने से मौत हो गई, जिसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों के द्वारा करंट फैलने के बाद बिजली बंद कराई गई। वार्ड पार्षद कार्तिकेय चौहान ने बताया कि स्थानीय 60 वर्षीय नत्थू पिता मायाराम मजदूरी कर देर रात घर लौट रहे थे। रिमझिम बारिश होने से सड़क भीगी हुई थी। जब वे अपने घर के नजदीक पहुंचे कि अचानक उनके घर के पास लगे बिजली के खंभे से फैले करंट की चपेट में आ गए। स्थानीय लोगों के द्वारा उन्हें तत्काल अस्पताल लाया गया, जहां मौजूद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अस्पताल पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। इस हृदय विदारक घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। पार्षद ने प्रशासन से गरीब परिवार को आर्थिक सहायता दिलवाने व बिजली पोल हटाने सहित अन्य मांगे की है। क्या नाम है आपका? मैं कार्तिक चौहान। ये अभी करंट लगा है, क्या है मामला? हाँ, मैं वार्ड नंबर 14 से पार्षद हूँ। मेरे मोहल्ले में ये करंट दुर्घटना घटी है जो दुखदायी है, मुझे उस पर बहुत दुख भी है। जो बिजली की पोल में क्या है कि हमारे वार्ड के नत्थू भाई मायाराम जी जो वर्षों से वहीं निवास है, उनका निवास है, गली बहुत सकड़ी है, आना जाना करते हैं हमेशा मजदूरी वर्ग करते हैं। वो बिजली का पोल उनके गली के नक्के पे ही है। जब वो मजदूरी करके आ जाए तो जैसे ही वो निकले, बारिश की वजह से थोड़े से वो भीगे हुए भी थे, पोल भी गीला हुआ था बारिश में, अर्थिंग में करंट भी आ चुका था, उन्हें मालूम नहीं। जैसे पास से निकले तो वैसे ही उनको अर्थिंग के इसमें खींच लिया। बता आपने कितनी उम्र होगी? ये करीब करीब उनकी उम्र है 60 साल की। क्या नाम बताया? उनका नाम है नत्थू भाई मायाराम जी। आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि अत्यंत गरीब परिवार है, सभी मजदूर वर्ग से आते हैं, उनके सभी बच्चे भी गरीब हैं, मजदूरी वर्ग करते हैं, तो मैं शासन से यही मांग करता हूँ कि जो भी ये करंट से जो आर्थिक सहायता मिलती है राज्य शासन की योजना के तहत, वो उन्हें मिले, ताकि उनका परिवार जीवन भरण अच्छे से कर सके और उनकी कमी महसूस कर सके।